भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से अलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है जो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है। और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत है नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है? देवराज, कोई कैसे जन्म से ही भिक्षुक हो सकता है? देवराज, प्राणी तो जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माता से दूध की भिक्षा मांगता है, है ना? फिर जैसे ही आयु बढ़ती है अपने पिता से सुरक्षा की भिक्षा मांगता है, एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से ज्ञान और विद्या की भिक्षा मांगता है, नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से उनके अनुभव की भिक्षा मांगती हैं, पौधे जड़ की सुरक्षा के लिए जल से, तने की सुरक्षा के लिए वायु से, और फल फूलों की वृद्धि के लिए प्रकाश से भिक्षा मांगते हैं। क्या ये सत्य नहीं है देवराज?